PIC. ये न्यूरॉन है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। जब भी हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमारे जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है मोटर नर्व्स के थ्रू। तो ये जो न्यूरॉन है ये उसके लिए रिएक्ट करने के लिए हमको सिग्नल देता है। अगर कोई गर्म चीज छू रहे हैं तो सिग्नल देगा तो हमारा ब्रेन तो वर्क करेगा कि गर्म चीज यहाँ से हम हाथ हटा लें। ये इलेक्ट्रिकली सिग्नल भेजता है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ड्राइव ट्रांसफर होकर केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। माई सेल्फ प्राप्ति राजगौड़ फ्रॉम MPBIC महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज। दिस इज वर्किंग मॉडल ऑफ लंग्स। सर जब हम लोग एयर मतलब एंटर करता है हमारी बॉडी में तो वो नसल कैविटी से एंटर करता है मतलब नॉस्ट्रिल से हमारे, और फिर वो नॉस्ट्रिल के थ्रू होते होते वो फैरिंग्स में जाता है। फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है जिसमें फूड और एयर पाए जाते हैं, मतलब फूड और एयर यही का मतलब कॉमन पैसेज इसी को कहते हैं फैरिंग्स को। और फिर फैरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स को कॉमनली मतलब बोल सकते हैं हम लोग ये वॉइस बॉक्स है। और फिर लैरिंग्स से एयर होते हुए ट्रैकिया में आता है। ट्रैकिया के ऊपर एक एपिग्लॉटिस होता है। फिर ट्रैकिया में सी शेप के कार्टिलेज रिंग्स पाए जाते हैं। ये रिंग्स जो होते हैं कार्टिलेज रिंग्स ये मतलब कोलैप्सिंग करने से प्रिवेंट करते हैं, एयर को कोलैप्सिंग करने से प्रिवेंट करते हैं। और ट्रैकिया जो है ये डिवाइड हो जाता है दोनों लंग्स में और डिवाइड होके ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। और फिर ब्रोंकाई से इसका जो मतलब ये फर्दर डिवाइड होता है सब ब्रांचेस में और ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है। ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल एंड पे एल्वेलाई पाए जाते हैं। ये 500 मिलियन में होते हैं दोनों लंग्स में। और एल्वेलाई जो है वो रेस्पिरेटरी यूनिट भी मतलब इसको कहते हैं। ये मतलब गैसेज एक्सचेंज में भी इनका मेन रोल है। महिमा नाम है MPBIC कॉलेज। सर ये 3D होलोग्राम है। यस सर ये 3D होलोग्राम है जो होलो और ग्राम नाम से मिलके बना है। होलो का मतलब होता है होल और ग्राम का मतलब होता है मैसेज, यानी कि हम इस पे जो भी फोन में लगा के या जो भी मैसेज यहाँ से भेजते हैं वो इस ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर इस पर्दे पे जो पीछे लगा हुआ उसमें क्रिएट होता है और उसे दिखाई देता है। सर ये इसका यूज हम मिलिट्री मैपिंग और ट्रेनिंग एजुकेशन फील्ड और एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सकते हैं। 1960 में फर्स्ट लेजर बना था जिससे होलोग्राम बॉक्स बना था। यस सर। और इसमें हमारे एक बेनिफिट है, जैसे हम लोग फोन से डायरेक्टली अगर देखें तो हमारे आंखों पे जो फोन से रेंस निकलते हैं हमारे आंखों पे बहुत इफेक्ट डालते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो हमारे आंखों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। This model was based on renewable energy, and in renewable energy we use natural resources that are replenished at a higher rate and they are consumed. There are various examples of renewable energy which we are few which we are make in our model. The first one is our biogas. This biogas is definitely used in India. मतलब इसका यूज़ तो हमें डेफिनेटली ही करना चाहिए बिकॉज ऑफ इससे जो है हमें गैस कुकिंग के लिए गैस भी मिल जाती है और मैन्योर जो हमारे लिए सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है वो भी मिल जाते हैं। और अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट उसको यूज़ करते हैं इन द सोलर पैनल्स, और अगर हम सोलर पैनल्स का ज़्यादा यूज़ कर मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। अगर हम लोग ये हाइड्रो एनर्जी जो है इसको इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बाढ़ जैसी समस्याएं होती हैं, तो हम लोग इससे एक इस क्राइसिस को रोक सकते हैं, बाढ़ की समस्या को रोक सकते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी इंड्यूस करा सकते हैं। वी यूजिंग मतलब यहाँ पे जो है वाटर की हेल्प से भी यस हियर द वाटर इज फ्लोइंग एंड द टर्बाइन इज मूव हियर। और ये एसी ड्रेन के बारे में, जब व्हीकल से NO2 गैस रिलीज होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस,
और इंडस्ट्रीज से H2O गैस रिलीज होती है, वो एटमॉस्फेयर में जाके H2S से रिएक्ट करके HNO3 और H2SO4 का फॉर्मेशन करती है, और वही रेन के साथ एसिड मतलब नीचे आता है हमारे अर्थ सरफेस पे, तो वही एसिड रेन होता है जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है और कई सारी बिल्डिंग्स को भी बहुत हार्म कर रहा है, जैसे कि ताजमहल के मार्बल्स को ये एलविश कर रहा है। और इससे बचने का उपाय है कि हम पोल्यूशन कम करें और इंडस्ट्री से जो स्मोक्स निकलते हैं उनको सही से प्रिवेंट करके उनको सही जगह पे यूज़ करें, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारे कार्स और व्हीकल्स के बैटरीज में यूज़ होती हैं, तो इस तरह हम एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं अगर उनको सही जगह प्रिवेंट करें तो। सर, ये हमारा प्रोजेक्ट है ड्रिप एरिगेशन। ड्रिप एरिगेशन मतलब बूंद बूंद सिंचाई। यहाँ पे मैं आपको वर्क करके दिखा रही हूँ। सर, ऐसे बूंदों के द्वारा यहाँ सिंचाई हो रही है। सर, यहाँ पे मैंने कुएं का इस्तेमाल किया है। कुएं के रास्ते पानी टैंक में इकट्ठा हो रहा है, फिर यहाँ से पाइप द्वारा यहाँ से बूंद बूंद करके यहाँ पे गिर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे मैंने गार्डन लगाया है जो यहाँ से पानी यहाँ पे आ रहा है। सर, ये अगर यहाँ पे नदी रहता, अगर पोखरा रहता, तो यहाँ पे हम लोग मोटर लगा के फिल्टर करके यूज करते ताकि जो कड़ होते हैं वो पाइप में फंसे ना, इसलिए। और इससे हम लोग ड्रिप एरिगेशन से हम लोग पानी बचा सकते हैं जो कि हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पानी उसको हम बचा सकते हैं। और ड्रिप एरिगेशन से हम लोग अमरूद, अनार और औषधियाँ जो हम लोग के सुगंधित पुष्प हैं उसको भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग चावल की खेती नहीं कर सकते क्योंकि चावल के लिए हमें संपूर्ण मात्रा में वाटर की जरूरत होती है जिससे पूरे खेत को भरा हुआ जाता है, पर मुझे इतना नहीं भरना चाहिए हम लोग को खेत को। जो खेत की ऊपरी लेयर होती है उस पर हम उस पर नाइट्रोजन मिलता है और जो अंदर होता है उसमें पोटास मिलता है। अगर वो निकल जाता तो हमारी खेत जो रहता है वो उर्वरक खत्म हो जाता है। हेलो, माय नेम इज निशला, आई एम फ्रॉम क्लास 11। सर, ये मैंने अर्थक्वेक डिटेक्टर अलार्म बनाया है। मेरा पर्पस बेस्ड तो नेपाल के ऊपर था, बिकॉज मैं 3 नवंबर में होने वाले जो भी अर्थक्वेक की वजह से 154 लोगों की जो डेथ हो गई थी उसके डेथ लिस्ट को मैंने कम करने के लिए ये अलार्म बनाया है। एक सर्किट पे बेस्ड है। जब ये सर्किट जो वेव्स आती हैं, ये सर्किट कंप्लीट होता है और अलार्म बजता है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ उसको। जैसे कि आ रहा है अर्थक्वेक, जब तक वेव आती रहेंगी तब तक ये अलार्म ऐसे ही बजता रहेगा। जब वेव रुक जाएंगी तो अलार्म अपने आप रुक जाएगा। ये अलार्म को मैंने ऐसे घर का सिर्फ इसलिए दिया है जिससे थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगे और कोई भी इसको अपने घर पे एज अ डेकोरेशन के लिए भी रख सकता है। बिकॉज मशीन की तरह ये बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा देखने में, तो उसको एज अ डेकोरेशन भी रख सकता है घर के कॉर्नर में, नीचे फर्श से अटैच करके रख देगा। जब भी भूकंप आएगा, मीन्स अर्थक्वेक जब भी आएगा, तो ये हमको तुरंत अलर्ट करता रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं वो समझ नहीं पाते हैं अर्थक्वेक आता है, तो इतना नहीं वो अलर्ट हो पाते हैं, तो ये अलर्ट कर देगा उनको। जैसे ही अर्थक्वेक आएगा ये अलार्म रिंग करेगा और वो अलर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका मे भी उनकी डेथ ना हो या वो कहीं सेफ प्लेस पे चले जाएं जिससे वो अपने आप को सेव कर सके अर्थक्वेक के डैमेज से। ओके, सबसे पहले हेमोडायलिसिस के बारे में हम जानेंगे। हेमोडायलिसिस हम तब करते हैं जब हमारी किडनी खराब हो जाती है या फिर 10-15% तक काम करती है। हेमोडायलिसिस करने से पहले हम यहाँ पे एवी फेस्टूला का प्रयोग करेंगे। एवी फेस्टूला बनाने के लिए हमें लगभग 1-1.5 महीने लग सकते हैं। अगर हमारे पास कम टाइम है तो हम ये डायलाइजर नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से ब्लड पंप होके जाएगा, फिर यहाँ डायलाइजर फिल्टर हमने लगाया। डायलाइजर फिल्टर में से ब्लड फिल्टर होगा, फिर फिल्टर होके यहाँ हिपेरिन है। हिपेरिन हमारे ब्लड को क्लॉटिंग होने से रोकता है। फिर यहाँ पे हम लेके जाएंगे, फिर यहाँ से ब्लड एयर टैप एंड एयर डिटेक्शन है। एयर डिटेक्शन के लिए हम इसलिए लगाएं क्योंकि ताकि हमारे ब्लड में बबल्स मत बने। फिर यहाँ से ब्लड जाएगा और डायलाइज होके ब्लड दोबारा शुद्ध हो जाएगा, और इसलिए हम इसका हेमोडायलिसिस का प्रयोग करते हैं। बनी सर, माय नेम इज रखी गुप्ता, आई स्टडी इन क्लास 11। ये दिस प्रोजेक्ट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये फैक्ट्री से पानी, जो भी पॉल्यूटेड पानी आता है उसे हम लोग फिल्टर करके फिर बैक्टीरिया करके फिर हम लोग गर्म करके ये विलेज में फिर से भेज सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन।
सो माय मॉडल इज ऑल अबाउट स्मार्ट सोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी. यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने दिखाया है रोड कंस्ट्रक्शन यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट. जो नॉर्मल रोड्स होती हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती हैं और बारिश के पानी की वजह से बहुत जल्दी उसमें पिट होल्स हो जाते हैं. तो अगर हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक वेस्ट का यूज़ करें तो ये रोड नॉर्मल कॉन्क्रीट रोड से ज़्यादा ड्यूरेबल भी है प्लस इसमें लो एक्सपेंसिव भी है. फिर सेकेंड चीज़ जो मैंने ऐड की है कि पॉल्यूशन ट्रैपिंग प्लांट्स. ये जो प्लांट्स हैं जितने भी व्हीकल्स पॉल्यूशन कॉज करते हैं वो पॉल्यूशन को मॉडिफाई करेगा, फिल्टर करेगा और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करेगा. फिर थर्ड चीज़ जो मैंने सोचा कि हम सब वर्कआउट करते हैं तो डेली वर्कआउट से जो एनर्जी हम लोग जिम में जाके वेस्ट करते हैं उस एनर्जी को, उस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दें तो इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी. फिर फोर्थ चीज़ जो मैंने ऐड की दैट इज़ वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन. ये जो वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन है ये रोड्स पे जितने भी व्हीकल्स चलते हैं उनके विंड काइनेटिक एनर्जी से इसके अंदर जनरेटर लगाए, वो जनरेटर जब चलेगा तो मैकेनिकल एनर्जी बैटरी में स्टोर हो जाएगी, वो मैकेनिकल एनर्जी फर्दर रात को चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और रात को ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाएगा. गुड आफ्टरनून. ये हम लोग ने बनाया रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि हम अपने वायुमंडल से ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से अंदर बाहर कैसे करेंगे इस प्रक्रिया को बनाने के लिए हम लोग बनाया गया. इसमें हमने ऑक्सीजन वायुमंडल से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और इंस्पिरेशन के तहत और ये एक्सपिरेशन के तहत कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर कर लेगी. इस क्रिया को, यह क्रिया एक मिनट में लगभग 12 से 16 बार होता है. माई नेम इज शुभम अग्रहरी. माई स्कूल नेम इज मारवा इंटर कॉलेज. माई प्रोजेक्ट नेम इज लेडीज सेफ्टी गैजेट. जैसे कि सर ये लेडीज सेफ्टी के ऊपर है, आप ये जो मेरे गैजेट है इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जूते में, चप्पल में, पर्स में, जूती में, कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो सेफली. ठीक है, और यहाँ पर सर देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्मिनल है तार के. जैसे कि मैं यहाँ ऑन करता हूँ, देखिए यहाँ पे हाई पावर करंट लग रहा है. देखिए सर यहाँ पे काफी तेज वोल्ट निकल रहा है, तकरीबन 300-400 वोल्ट का, जिससे आपको हाई पावर करंट लगेगा सर. और अगर जब करंट लगेगा तो आप लेडीज को पकड़े रहोगे तो उसको जायज बातें छोड़ोगे. मेरा नाम आकाश कुमार है और मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्य नगर गोरखपुर का छात्र हूँ. मेरे इस मॉडल का नाम फायर फाइटिंग रोबोट है. इसमें मेजरली 5 मेन कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं. सबसे पहले ये आर्डिनो यूएनओ जो कि इस पूरे मॉडल का, ये आर्डिनो यूएनओ जो कि इस पूरे मॉडल का ब्रेन एक तरीके से है. और ये माइक्रो सर्वो जो कि इस पंप को रोटेट करने के लिए काम आता है. और ये मोटर ड्राइवर जो कि व्हील्स को रोटेट करता है. और ये वाटर पंप जो कि पानी को निकालता है. और ये आगे फ्लेम सेंसर लगे हुए हैं 3 जो कि फायर को डिटेक्ट करते हैं. अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये आगे 3 फ्लेम सेंसर जो लगे हुए हैं, अगर इसके रेंज में कोई भी मतलब आग लगी हो तो ये इंफॉर्मेशन जो है इस आर्डिनो को भेजता है. फिर ये आर्डिनो उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके ये कमांड इस व्हील्स को देता है, इन सभी व्हील्स को और ये वाटर पंप को भी, ताकि ये वाटर उस पर ऑटोमेटिकली पंप करके उस आग को बुझा सके. सुशील विद्या मंदिर आर्य नगर इंटर कॉलेज का छात्र हूँ. मेरे प्रोजेक्ट का नाम वुमेन सेफ्टी सैंडल है और इस प्रोजेक्ट का यूज महिला अपने सुरक्षा हेतु कर सकती है. अगर कोई पुरुष किसी महिला को छेड़ने का प्रयास करता है तो महिला अपने सुरक्षा के लिए इसको. सोर्स ऑफ द वाटर प्लांट्स ने हाउस फ्लावर प्लांट्स वेल पाउंड ब्रोवेल सी रिवर लाइक प्लांट्स कोकोनट. दिस यू कोकोनट एंड वेल वैल्यू डाउन अप द यू री सी द फील यू वेल वेल ब्रोलर पाउंड फॉल्स राउंड. दिस यू सोर्स वाटर पानी के थ्रू, जैसे पानी थ्रू की उपयोग में किया जाता है. इसकी अगर इसके रेंज में अगर आग लगी हो तो ये इंफॉर्मेशन आर्डिनो को भेजेगा. फिर आर्डिनो जो है ये स्मार्ट होम ऑटोमेशन है जो हम लोग बनाया गया है कि फोन से आप कहीं से भी घर के बाहर कंट्रोल कर सकते हैं. जिसको हम लोग कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है.
जैसे हम लोग वाईफाई से फोन कनेक्ट किया करा जाएगा तो ब्लू लाइट जल जाएगी, जब वाईफाई से कनेक्ट होगा तो हम लोग वर्ल्ड में कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है इसका। हाँ ये इस पे SP32 है जो हम लोग यहाँ से कमांड जो भेज रहे हैं ये इसको वो कैच कर रहा है और ये रिले को कंट्रोल कमांड दे रहा है कि मतलब ऑन और या ऑफ करने का। जैसे हम लोग यहाँ से कमांड दिए ये इसको SP32 को मिला और ये इसको ऑन कर दिया रिले को। अब जब यहाँ से ऑफ करेंगे तो ये इसको फिर कमांड देगा ऑफ करने को। अगर जैसे राउटर आजकल हो गया है तो राउटर से कनेक्ट कर दें, अगर आपको मतलब राउटर के बिना चाहिए तो हम लोग अपना सिम कार्ड लगा के दिया जाएगा 100 MB पर ईयर। मेरा नाम मोहम्मद अयान है, ये मेरा मॉडल है हाइड्रो फार्मिंग। इसमें बेसिकली हम बिना लैंड के खेती करते हैं, तो इसमें हम फिशेज के एक्सक्रीटा से खेती करते हैं। इसके सेटअप में दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक में प्लांट्स एक में फिशेज, दोनों को हम पानी से भर देते हैं और पानी को और दोनों को पंप से जोड़ देते हैं। फिर जब फिशेज अपनी एक्सक्रीटा से पानी को गंदा कर देती हैं तो हम पंप के थ्रू उसको पानी को सर्कुलेट कर देते हैं, जिससे कि फिशेज गंदे पानी से यूरिया एब्जॉर्ब करके उसको साफ कर देती है और इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद जैद है, मेरा ये प्रोजेक्ट है ड्रिप इरिगेशन। जैसे इसमें ये होता है कि पौधे नुकसान नहीं होते, जैसे पानी के द्वारा कभी कदार नुकसान भी जाते हैं, कभी कदार पानी नहीं पाते हैं, कभी कदार नहीं पा जाते हैं, ज़्यादा पानी की वजह से नुकसान आते हैं। तो मेरा ये है कि इस चीज़ को अपनाने से हर पौधा सेफ रहेगा और बढ़िया भी रहेगा। सर मेरा नाम अमीर रमजा और मैं तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसका नाम है ऑटोमेटिक कैनन। मैंने ये प्रोजेक्ट किसानों के लिए बनाया क्योंकि लगभग हर साल हजारों किसान खेत में फसल बर्बाद होने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं और फसल को ज्यादातर जानवर ही बर्बाद करते हैं, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। अगर इस प्रोजेक्ट को हम खेत में फिक्स कर दें तो अगर कोई भी जानवर खेत के अंदर आने की कोशिश करेगा तो ये ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा और इसका साउंड इतना तेज होगा जानवर डर के भाग जाएंगे। और जिसको हम लोगों को खेत में सेट करने के लिए सबसे पहले इसको हम खेत में सेट कर देंगे, उसके बाद हम लोग आगे की साइड से आधा ग्लास पानी डालेंगे और इसके अंदर एक छोटा सा कैल्शियम कार्बाइड डाल देंगे और पीछे से ये इलेक्ट्रिक लाइटर को हम लोग ऑन कर देंगे। अब खेत के अंदर जब कोई भी जानवर आएगा तो मेड पे पैर रखेगा ही, और जब पैर रखेगा तो मेड के नीचे लगा है स्विच, जैसे ही वो पैर रखेगा तुरंत वो प्रेस हो जाएगा और जैसे ही वो प्रेस होगा तुरंत ये मोटर एक्टिवेट हो जाएगा और जब ये मोटर एक्टिवेट होगा तो ये आगे की साइड में लगा रबड़ को ये कुछ इस तरीके से खींच देगा और जैसे ये खींचेगा तो ये कैल्शियम कार्बाइड नीचे गिर जाएगा और नीचे गिरने के बाद ये अंदर आ जाएगा और अंदर पानी से पानी पहले से ही मौजूद है और पानी से वो रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस बना देगा। और हम लोगों का ये इलेक्ट्रिक लाइटर ऑन है तो जैसे ही वो गैस बना देगा तो ये उससे रिएक्ट करके वो सर मतलब ब्लास्ट कर देगा। और सर इसको हम लोग दिन और रात सर हमेशा यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें के अंदर सोलर पैनल लगा हुआ है, जैसे अभी भी ये चार्ज हो रहा है और जैसे ही अगर हम लोग इसके अंधेरा होगा तो ये अभी भी वर्क कर रहा है। देखिए इसको हम लोग दिन और रात सर हमेशा यूज कर सकते हैं सर, और ये ऑटोमेटिक सर ब्लास्ट कर देगा, इसका साउंड इतना तेज होगा कि जानवर डर के भाग जाएंगे सर। और ये पूरा घर के सामान से बना है, जैसे कि ये PVC पाइप से बना हुआ है जो कि घर पे पड़ा होता है और ये ज़्यादा मतलब इसको बनाने के लिए ज़्यादा हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ी है, लगभग 500। गुड आफ्टरनून सर, जैसे कि अब यहाँ पर मैं लखनऊ से अमीरुद्दौला इस्लाम कॉलेज से इस एग्जीबिशन में पार्ट लेने आया हूँ। हमारा एग्रीकल्चर से लेकर रिलेटिव प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ऐसा है जैसे कि किसान की फसल उसके ज़्यादा पानी होने से फसल ख़राब हो जाती है, जैसे मोटर रात में चलाते रहे इसमें टाइम की भी बहुत बचत है और ये मॉडल ये बहुत वर्क भी करता है। जैसे फसल इसमें ख़राब होने अभी मोटर चल रही है, अब जैसे ही सेंसर बेस्ड मोटर है जैसे ही सेंसर को हम हटाएंगे वैसे ही मोटर बंद हो जाएगी और ये जैसे मोटर ये लगाएंगे मोटर चालू हो जाएगी। जब तक ये सेंसर अंदर रहेगा तब तक मोटर जब तक पानी इसका पूरा फुल हो जाएगा ऑटोमेटिक कट कर देगी ये, और ये सेंसर बेस्ड भी है इसमें लाइटें जल जाएंगी, जब रात हो जाएगी तो ये सोलर पैनल से इसकी लाइटें भी ऑन हो जाएंगी। आमना मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज क्लास 11, ये मेरा मॉडल है, ये लेजर लाइट सिक्योरिटी सिस्टम टू प्रोटेक्ट आवर होम बैंक्स एंड एवरीथिंग, जिससे हम बच सकते हैं। अगर कोई जानवर भी हमारे अंदर एंट्री करना चाहेगा तो लेजर लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी इन चारों शीशों पे तो ये बजर बनने लगेगा। ये हार्मफुल बजर हमारे लिए हार्मफुल होता है, लेजर लाइट हमारे लिए हार्मफुल होती है लेकिन फिर भी हमारे घर को प्रोटेक्ट करती है। सर ये हमने ब्लोअर बनाया है, ठंडी के लिए हमने बनाया है ब्लोअर,
जब भी कोई ठंडी लगेगा तो हम लोग इसको चला सकते हैं, और आपको गरम गरम हवा खानी है तो इसको चला सकते हैं, और आपको ठंडी हवा खानी है तब भी इसको चला सकते हैं आप। और ये ब्लोअर है, देखिए गरम हवा आ रही है। इसमें मैंने होल्डर लगाया है, प्लग लगाया है, एल 100 वाट वाला बल्ब आता है वो लगाया हमने, और एक वो आता एग्जास्ट फैन आता है, एग्जास्ट फैन मिनी एग्जास्ट फैन वो लगाया हमने, बैटरी लगाई है, स्विच लगाई है। मेरा नाम रितेश यादव और ये मेरे दोनों सहयोगी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे मॉडर्न जमाने में ये सिस्टम आने लगा है जो कि हम अपने वॉइस के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसी को देखते हुए हमने एक सिस्टम बनाया है, उसका नाम होम ऑटोमेशन सिस्टम है, और इसमें कुछ कंपोनेंट यूज हुए हैं जिसका नाम आडियो यूनो है, जो कि यह एक तरह सीपीयू की तरह काम करता है जो कि आवाज़ कमांड को एग्जीक्यूट करता है। ये रिले मॉडल है, इसका यूज लाइट के डिवाइस में किया जाता है लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। आप देख सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर ऐप है जिसका नाम आडियो यूनो है, अब मैं स्क्रीन के थ्रू इसको ऑन करूंगा। और भी तरीके हैं, और मैं वायरलेस के थ्रू इसको भी ऑन करूंगा, जैसे मैं लाइट ऑन बोलूंगा लाइट ऑन हो जाएगा, और लाइट ऑफ बोलूंगा लाइट ऑफ हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग प्लग से हम चार्जर भी लगा सकते हैं, और प्लग से हम यहाँ पे चार्जर भी लगा सकते हैं। और इसमें मैं इस मॉडल को आगे चल कर मॉडिफाई करने वाला हूँ, जिसमें कि एक PID सेंसर होता है, जैसे मैं अपने रूम में गया, रूम में जाने के बाद से लाइट ऑन हो जाएगा, जैसे मैं रूम से बाहर निकलूंगा लाइट ऑफ हो जाएगा, उससे हमारा यह बचत होगा, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है उसका बचत होगा, जो कि आगे आने वाले पीढ़ी में हमारा लाभदायक होगा। जी सर, मेरा नाम अनी पसंद है, मैं हमेशा इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मैं टेबल फैन बनाया हूँ, तो ये बटन पे चलता है। सर इसमें बैटरी मोटर और सारी चीजें। सर माय नेम इज फैजान अहमद, माय स्कूल नेम इज MSI इंटर कॉलेज। सर ये वाटर फैन है, सर ये वाटर फैन है सर, इसको सर चलाने के लिए चला के सर इसको सर ये इसको ऐसे मूव करेंगे तो सही चलेगा। ये गेम भी है, सही है, ऐसे गेम भी है ऐसे। सर पहली बार तो बनाया सर। यस सर, ये सर आइडिया सर, ये सर मेरा एक चाचा का लड़का है सर, वो दिया यूट्यूब से भी देखे सर। और इसमें सामान सर ये बॉटल लगा है, ये जो पट्टी थी पंखी और लगा है सर, ये टीली यहाँ पर लगा थे कि आप होल्ड करें सर, इस सर ये लगाए थे सर, ये सर समझ लीजिए बच्चों का पूरा ही है, सारा मेहनत इन्हें सोचा है, हमने थोड़ा बहुत गाइडेंस किया है बस, बाकी सभी इन्होंने मेहनत किया है अपना जैसे ही बनाना है, बस थोड़ा बस जो मैं होता है कि क्या हम मैम इसमें एक्स्ट्रा और क्या कर सकते हैं वो हम लोग बस बताए हैं, बाकी सारा मेहनत इन जाएगा। ये यहाँ आए हैं, सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे कोई वो नहीं है, कुछ फर्स्ट टाइम था इन लोगों का, कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया होगा, और उसके बाद यहाँ से गेन करेंगे, फिर आगे इनको मौका मिलेगा। जैसे एक लड़की कह रही है कि मैम नेक्स्ट मॉडल कोई ऐसा बनाएंगे जो इसमें हमारा एकदम सिलेक्शन एकदम पूरा चांस है, बता भी रहे थे कि मैम इसमें बना सकते हैं, हमने कहा ठीक है, तो बच्चे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। मतलब बच्चों को केवल थ्योरी का नॉलेज ना दिया जाए, बच्चे प्रैक्टिकल का भी नॉलेज ले, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवाई जाती है, तो ये भी साइंस एग्जीबिशन जो है वो भी उसी में एक क्रम में है। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को मौका मिल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि हाँ मेरे मॉडल में कोई कमी रह गई है तो वो बच्चों को देख के सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी मेरा नाम प्रगति राय है, मैं MP बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन की टीचर हूँ बायोलॉजी के। मेरा नाम श्वेता गुप्ता, मैं भी MP बालिका इंटर कॉलेज की टीचर हूँ।